greetings to all and welcome back to my channel that is Commerce classes by ronak sharma in the previous lecture we have discussed about the barter system in which we will discuss the meaning and its limitations right and in today's lecture we are going to discuss about the concepts of money we will discuss the meaning functions and forms or types of money but in today's lecture we are going to discuss only meaning and functions and forms yafi types we will discuss on the later देखो कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में देखो हमने क्या किया बाटा सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था राइट right? एक बार रिकॉल कर लेते हैं ठीक है क्योंकि कनेक्शन में ही है आज का लेक्चर आपका बाटा सिस्टम क्या था आपका एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर आप गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे राइट इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी आप लेकिन उसमें यूज मनी का नहीं करते थे यही पढ़ा था हमने ओके okay. देन हमने कुछ किए थे ड्रॉबैक्स या फिर डिफिकल्टीज ऑफ बाटर सिस्टम जिसमें सबसे फर्स्ट आपका ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स राइट सेकेंड था आपका लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू या फिर डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू तो ये सब आपके लिमिटेशन के कारण हमें नीड अराइज हुई थी किस चीज की मनी की ठीक है तभी हमने मनी का कंसेप्ट आया था हमारी इकॉनमी में क्योंकि जब पहले सिस्टम चल रहा था ना आपका सी टू सी इकॉनमी में सिस्टम बा, में उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को आई थी जिसको दूर करने के लिए ही मनी का एवोल्यूशन हुआ था क्लियर चलो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी क्लियर चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर देखो मनी क्या होता है द टर्म मनी कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू देखो अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में भी हम बात करें तो मनी क्या होता है मनी है क्या एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बदले में आप एक्सचेंज करते हैं लाइक like, अगर सपोज आपको कोई सामान खरीदना है तो आप क्या करेंगे वो सामान बाई करेंगे इन रिटर्न या इन एक्सचेंज आप उस पर्टिकुलर पर्सन को मनी ट्रांसफर uh, कर देंगे ऐसे ही होता है ठीक है ना कि तो इसीलिए क्या बोला गया कि मनी क्या है ये या आपने क्या मनी को एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया है ठीक है तो मनी क्या है इट इज़ डिफाइंड एज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू देखो पहले क्या हुआ करता था अगर आपको सपोज कुछ भी सामान को स्टोर करना है अब देखो जितना आपके पास मटेरियल पड़ा है बाटा सिस्टम की बात कर रहे हैं हम जितना भी आपके पास मटेरियल पड़ा है क्या आप उसे ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते थे Suppose मैं बोलती हूँ मेरे पास वेजिटेबल्स uh, पड़ी है मुझे वेजिटेबल्स के बदले में कुछ परचेज करना है तो वेजिटेबल्स को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम स्टोर कर लोगे ज्यादा टाइम तो स्टोर नहीं ना हो पाता लेकिन इसी ड्रॉबैक और भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया आपको ठीक है तो इन सभी ड्रॉबैक्स के कारण ही हम मनी को लेके आए थे अब अगर हम बात करें मनी की आज की डेट में आप सब मनी को जानते हैं अवेयर है यूज करते हैं आप सभी है ना तो मनी को स्टोर करना इजी है या डिफिकल्ट है आप मिलियंस में बिलियंस में उसे स्टोर कर सकते हो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा तो नहीं कि बड़ी पड़ी मनी खराब हो जाएगी ऐसा तो नहीं होता ना बट बाटा सिस्टम में ये सब होता था ठीक है चलो अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ मनी के ऊपर बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन हैं प्राइमरी फंक्शंस एंड द सेकेंडरी फंक्शंस ठीक है अब प्राइमरी फंक्शंस आर दोज विच आर कॉमन टू ऑल द कंट्रीज ड्यूरिंग ऑल टाइम पीरियड्स ठीक है और इसमें आते हैं आपके मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या मतलब होता है कि मतलब आप मनी देकर कुछ परचेस कर सकते हैं या फिर मनी लेकर आप कुछ सेल कर सकते हैं ऐसा ही होता है ठीक है ना मतलब मीडियम जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यहां पर मतलब क्या है मनी आपका एज अ एक्ट कर रहा है या फिर परफॉर्म करता है ठीक है देखो इट मीन्स दैट मनी अ इंटरमीडिएटरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट से कोई गुड्स को बाई करें या आप सर्विसेज मतलब ले पाए कोई भी सर्विसेज या अगर आप चाहते हैं कि गुड्स को सेल करें या गुड्स सर्विसेज को रेंडर करें ठीक है तो आप क्या करेंगे मनी की हेल्प से इस चीज को बहुत ईजिली कर सकते हैं ठीक है अ पर्सन कैन सेल हिट गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी एंड यू कैन यूज दिस मनी फॉर बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही नीड्स सिंपल पर्सन क्या करेगा अपने सामान को सेल परचेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी ठीक है मतलब देखो पहले क्या होता था अगर किसी ने कोई सामान खरीदना है देखो बाटर सिस्टम में हम क्या डिस्कस किया था हमने एग्जाम्पल कि अगर कोई एक पर्सन है जिसके पास वीट एक्स्ट्रा पड़ी है ठीक है लेकिन उसे क्लोथ चाहिए तो अब वो मार्केट में ऐसा पर्सन ढूंढेगा जिसके पास क्लोथ्स हैं बट उसे वीट भी चाहिए तभी तो वो एक्सचेंज कर पाएंगे है ना तो ये डबल क्वांसिट ऑफ वॉन्ट्स थी आपको देखो बहुत डिफिकल्टी होती थी ऐसे पर्सन को ढूंढना तो इन सभी रीजन्स के कारण मनी आया तो इसीलिए बोला जाता है कि मनी क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज अब आपको ये देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्रा क्या है सामने वाले के पास एक्स्ट्रा क्या है जो चीज़ आपको चाहिए क्या सामने वाले के पास वो चीज़ है या नहीं अब आपको इस चीज़ के रिक्वायरमेंट ही नहीं है आप सिंपली मनी दो और आपको जो रिक्वायर्ड है आप अपना वो बाय कर सकती है ठीक है आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये फर्स्ट पॉइंट मनी के आने के बाद आप हर प्रोडक्ट की हर गुड्स की हर सर्विस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं प्रॉपरली ठीक है ना और जैसे बैलेंस भी मेनटेन रहता है देखो सपोज हम पहले की बात करते जब बाटा सिस्टम हुआ करता था अगर आप क्लोथ ले रहे हैं आप मिल्क के एक्सचेंज में ले रहे हो क्लोथ तो आप एक चीज बताओ ज, ज, जिस मेजर में मतलब जिस यूनिट में आप क्लोथ को मेजर करते हैं या जिस यूनिट में आप मिल्क को मेजर करते हैं क्या वो सेम होते थे क्या क्लोथ्स को आप मीटर्स में देख रहे हैं ठीक है ल, लेकिन अगर हम बात करें मिल्क की मिल्क को आप लीटर्स में देखते हैं या फिर वीट या मिल्क का एग्जाम्पल ले लो वीट आ रही है आपकी के केजेस में ठीक है क्विंटल्स में टन्स में ऐसे आती हैं बट मिल्क कैसे आता है आपका लीटर्स में आ रहा है ठीक है ना तो जो मेजरमेंट वैल्यू थी ना बाटर सिस्टम के टाइम पर वही अच्छी नहीं थी ठीक है कॉमन बेस ही नहीं होता था बट मनी के आने के बाद वो चीज क्या हुई है प्रॉपरली यूज होने स्टार्ट हो गई है चलो देखो क्या लिखा है मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट दैट इज इन मॉनेटरी यूनिट फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ शुगर कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी यूनिट बाई से प्राइस ऑफ शुगर इज रुपीज फोर्टी पर के जी सिंपल है नाउ वी आर हैविंग सेकेंडरी फंक्शंस सेकेंडरी फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शंस ठीक है और बेसिकली थ्री सेकेंडरी फंक्शन वी आर हैविंग फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट सेकेंड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू देखो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है देखो सबसे पहले मैं ये बता दू कि डेफर्ड पेमेंट्स होती क्या है ऐसी पेमेंट जो आपने फ्यूचर में करनी है दैट विल बी नॉन एज द डेफर्ड पेमेंट ठीक है चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सपोज बाटर सिस्टम के टाइम पर अब इमेजिन करिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे क्या आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे जब आप बाटर सिस्टम में हुआ करते थे अब देखो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है सामान आज ले रहे हैं सपोज आप आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं कुछ टाइम बाद आपको पे कर दूंगा फ्यूचर पेमेंट्स तो ऐसी होती है ना आज के टाइम पे जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट बेज ही होता है सारा नाइन्टी परसेंट कभी भी इमीजिएट पेमेंट्स नहीं होती हैं कभी भी नहीं कह सकते मतलब टेन परसेंट होती है सिर्फ इमीजिएट पेमेंट्स बट नाइन्टी परसेंट आपकी क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स होती है डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं बट है. अगर हम बात करें बाटा सिस्टम की तो क्या आप ये कहेंगे उस टाइम पे कि हम आपको थ्री फोर मंथ्स के बाद वेजिटेबल्स uh, प्रोवाइड कर देंगे अब आपको क्या पता आपकी थ्री फोर मंथ्स के बाद वो वेजिटेबल्स बचेंगी या नहीं बचेंगी है ना तो उस टाइम पे डेफर्ट पेमेंट्स करना फ्यूचर पेमेंट्स करना कॉन्ट्रैक्ट्स पर पेमेंट करना पॉसिबल नहीं हुआ करता था बट जब से आपके मनी आई है मनी के आने के कारण आपकी जो डेफर्ट पेमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो चुका है ठीक है आई थिंक क्लियर है आपको देखो डेफर्ट पेमेंट्स रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड इन फ्यूचर यही हमने डिस्कस किया है मनी इज अक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बिकॉज अब मनी को डेफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड क्यों माना गया है रीजन बिहाइंड इट्स प्राइस रिमेन्स स्टेबल इट हैज़ जर्नल असेप्टेबिलिटी एंड इट इज़ मोर ड्यूरेबल कंपेयर्ड टू अदर कमोडिटीज मनी को आप बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉमोडिटीज़ ठीक है जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना अगर आप सपोज बाटर सिस्टम में वेजिटेबल्स का, का काम कर रहे हैं या फ्रूट्स का आपका काम है ठीक है ये कोई भी पेरिशेबल डेरी प्रोडक्ट है इवन आप ये बोल सकते हैं तो उसमें आप उसको स्टोर नहीं कर सकते थे ज्यादा समय तक ठीक है ज्यादा समय तक आप उसे यूज नहीं कर सकते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो करने का कोई चांस ही पॉसिबल नहीं है क्लियर है चलो सेकेंड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू अच्छा अब आप खुद बताइए बाटर सिस्टम में आप जो भी आप काम करते थे वट आप जिस भी कमोडिटी में डीलिंग करते थे आप खुद सोचो क्या उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करना काफ़ी लंबे समय तक पॉसिबल होता था अब किसी भी चीज़ की बात कर लो सपोज हम क्लोथ्स की बात करते हैं क्लोथ्स कितने टाइम आप स्टोर कर लेंगे और अगर आपको सपोज़ टेन लाख रुपीस का क्लोथ स्टोर करना रहे तो आपको गोडाउंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी बहुत ज़्यादा है ना आपको बहुत ज्यादा गोडाउन चाहिए उसका आपको रेंट देना पड़ेगा प्लस आपको उसकी सिक्योरिटी भी करनी पड़ेगी है ना तो जो आपका कॉस्ट आया है क्लोथ में वो तो आएगा ही आएगा बट उसके साथ साथ आपकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आडअप होती थी बट अगर हम बात करें मनी की मनी को स्टोर करना क्वाइट ईजी है आपको पता होगा आप क्या करते हैं सेव कर लेते हैं बैंक में जाकर सिंपल इवन आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है है ना तो जो स्टोरिंग है वैल्यू की वो मनी के आने के बाद बहुत ही ज्यादा असेसिबल हुई है बहुत ज्यादा ईजी है जो कि आपको डिफिकल्टी हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ वाटर सिस्टम ठीक है इट इज कन्वीनियंट टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट पेरिशेबल ये कभी पेरिशेबल भी नहीं होती है सो इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर यूज क्लियर चलो नाउ थर्ड पॉइंट है इस ट्रांसफ़र ऑफ़ वैल्यू ट्रांसफ़र ऑफ़ वैल्यू देखो जब आप कॉमोनिटी वाले मतलब इकॉनमी में थे उस टाइम पे अगर आपने किसी पर्सन को गुड्स ट्रांसफर करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती थी बट अगर हम बात करें मनी की अगर आप चाहते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो आप इजीली विद इन सेकेंड्स कर देते हैं है ना आजकल तो आपको बैंक में जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है क्यू में खड़े होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है है ना आजकल आप क्या करते हैं अपने मोबाइल फोन से असेस करके सामने वाली पार्टी को इमिजिएटली पेमेंट्स कर देते हैं राइट right? तो मनी हेल्प्स अस टू ट्रांसफर वैल्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वी कैन से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं प्लस आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ईजी है आई थिंक है ना नाउ no. थर्ड आपके कुछ बेसिक अदर फंक्शंस भी हैं लाइक बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मनी के कुछ अदर फंक्शंस बताए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था आपका आज का मनी ठीक है सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मनी होता क्या है जिसमें हमने ये बताया है कि मनी इज डिफाइंड एज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू राइट देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शन्स ऑफ मनी बेसिकली वी आर हैविंग टू फंक्शन्स प्राइमरी फंक्शन्स एंड द सेकेंडरी फंक्शन्स प्राइमरी फंक्शंस आर ऑल्सो फर्दर डिवाइड टू टू कैटेगरीज फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू And if we talk about the secondary functions, these functions are also classified into three main categories. First one is standard of deferred payments, second store of value, and the third one is transfer of value. And, and lastly, we have discussed some other functions as well. I hope you like this video. Do like, share, and comment. And don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.